सर्किट हाउस में शनिवार को राज्य मंत्री एवं भीम नगरी समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जी एस धर्मेश ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, ईडीएम नगर निगम व टोरेंट अधिकारियों के साथ भीम नगरी क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। राज्य मंत्री व भीम नगरी समिति के अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आयोजन क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई लापरवाही ना होने पाए। उन्होंने कहा कि रजत जयंती पर भीम नगरी आयोजन भव्य होना चाहिए। बैठक सर्किट हाउस में भीम नगरी अध्यक्ष डॉक्टर जी एस धर्मेश, भरत सिंह पिप्पल, सुभाष भिलावली, अशोक पिप्पल, दिनेश भारत, मीडिया प्रभारी आशीष कुमार प्रिंस, श्याम जरारी एवं एसवी दिनकर आदि मौजूद रहे। इस बार की भीम नगरी एक भव्य और एक विशाल और अच्छी जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी यह भीम नगरी होती है, अम्बेडकर जयंती भी होती है, इसको हम इस बार, चूंकि मैं इस बार अध्यक्ष हूँ भीम नगरी का और ये हमारे सब ये सहयोगी हैं, एक अच्छी हमारा प्रयास है कि इस बार एक अलग तरीके से बहुत अच्छी भीम नगरी मनाई जाए और जिस क्षेत्र के अंदर ये भीम नगरी बनाई जा रही है ये पूरी तरह से अपने नागपुर के बाद में सबसे ज़्यादा आबादी आगरा के अंदर है दलित समाज की, इस वजह से इसको दलित समाज की राजधानी भी कहा जाता है आगरा की। और ये जो एरिया है जहाँ पर ये भीम नगरी बनाई जा रही है बहुत कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर विकास की बहुत सारी आवश्यकता है। और क्या क्या उसमें विकास कार्य होने हैं, नाली हैं, सड़कें हैं, जय बिजली की व्यवस्था है, सीवर लाइन है जय, और मार्ग प्रकाश है जय, उसके संबंध में क्या क्या कार्य होने हैं उन सब अधिकारियों को बुला करके आज यहाँ पर उनको जो काम जो बता दिए गए हैं वो जल्दी से अपना एस्टिमेट बना करके ये विभाग वहाँ पर अपने निर्माण कार्य शुरू करे, इस वजह से ये बैठक यहाँ पर बुलाई गई। कितना बजट होगा इस बार ये बजट के लिए बोल दिया गया है कि अपने बजट बताएं जल्दी से, जैसे ही बजट आ जाएगा और हम इन लोगों से कराएंगे, अगर कोई कमी पड़ेगी तो ऊपर से लाने का प्रयास करेंगे। अभी भी बैठक में कुछ अधिकारी टालमटोल करते हुए नहीं, टालमटोल कोई नहीं कर पाएगा, वो सीमा के बारे में सड़क हमारी है नहीं है ये उनका आपस में विवाद है, ये करेंगे उसमें कोई हिलो वाली का कोई कर नहीं पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। ठीक ठीक रेडी देखिए ये हमारा अध्यक्ष केंद्रीय समिति भरत सिंह के पल। देखिए आज हमने ये बैठक बुलाई है जिला प्रशासन की, नगर निगम डूडा जितने भी विभाग हैं हर वर्ष की भांति इस वर्ष बुलाई है, लेकिन एक विशेष बात है आज की बैठक की अध्यक्षता हमारे माननीय डॉक्टर जी एस धर्मेश जी राज्य मंत्री समाज कल्याण उत्तर प्रदेश ने की है, ये हमारे लिए गौरव की बात है और मैं समझता हूँ इससे ही हमारे विकास कामों की कुंजी खुलेगी। नगर निगम डूडा, एडीए, पीडब्ल्यूडी ये सब अपने काम करेंगे और अभी माननीय मंत्री जी ने सबको निर्देश दिए हैं कि कौन कौन से काम होने हैं, वो उसका आंकड़न बना लें, आंकड़न बनाने के बाद वो फिर जो है वित्तीय बात बताएं कि हमारे पास इतना धन है और कम पड़ेगा तो हमारे माननीय मंत्री जी लखनऊ से उसको लाने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ ये रजत जयंती समारोह है और सभी विभाग बहुत बढ़ चढ़ के काम करेंगे और अम्बेडकर पार्क का जीर्णोद्धार होगा ये हमें पूरा विश्वास है और इस वर्ष की भीम नगरी आज तक भीम नगरी जितनी बनी 24 उस सबसे श्रेष्ठ होगी और माननीय राष्ट्रपति जी महोदय का प्रयास कर रहे हैं हम लाने का और वो अवश्य आएंगे हमारी बात को जो है स्वीकार करके भीम नगरी का उद्घाटन करेंगे। अम्बेडकर हमारी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है अम्बेडकर पार्क में लगी उसको लोकार्पण करेंगे, ये हमारी पूरी की पूरी जो है तैयारियां हैं। आज हमने बुकलेट सभी अधिकारी को दे दिए कामों की और इस काम में वो निरंतर हमारे साथ दौरा करने के बाद इस काम को अंजाम देंगे। आज क्या कुछ रहा, किस चीज को लेकर बैठक रही है? मैं सुभाष भिलावली संयोजक भीम नगरी प्रतिमा स्थापना समिति। अब की बार अम्बेडकर जयंती और भीम नगरी ऐतिहासिक मनाने जा रहे हैं और जिसमें आज विकास के कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया, उन्हें कार्य की सूची दे दी गई है और कार्य किए जाएंगे, बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर
भीम नगरी का आयोजन रक्त जयंती के दिन मनाने का फैसला लिया है। और डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा जो 1980 से लगी हुई थी, जिसका अभी तक लोकार्पण नहीं हुआ, जिसका लोकार्पण कराने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया जा रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी आ रहे हैं। ये कार्यक्रम भव्य होगा, दिव्य होगा, ऐतिहासिक होगा।